हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अनिवासी टेरिस गार्डन में। तो फ्रेंड, आज मैं आपको ऐसी नर्सरी दिखाऊंगी जो आपने कभी देखी नहीं होगी। बहुत ही हरियाली छाई हुई है, ऐसा लगता है कि हम गार्डन घूमने आए हुए हैं। तो देख सकते हो आप, ये पूरी हरियाली। और स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा कि हमारे इधर फनस बोलते हैं और कुछ कटर कुछ बोलते हैं ना, ये पौधा है, बड़ा पेड़ गेट के पास ही लगा हुआ है। ये देखिए, अभी गेट बंद है, भैया वो खाना खाने गए होंगे। और नर्सरी में सेट लगाने का काम भी चालू है, तो उसकी भी आवाज़ आएगी, तो थोड़ा इग्नोर करिएगा। और ये देखिए, ये नर्सरी रेलवे के साइड में ही है और बहुत ही खूबसूरत नर्सरी है, बहुत बड़ी नर्सरी है। आप देख सकते हो चारों तरफ हरियाली दिख रही है। और फनस का पेड़ आपको दिखाऊंगी, ये देखिए नीचे से ऊपर तक कितने सारे कटहल लगे हुए हैं इसमें, देख सकते हो आप। कितना अच्छा लगता है जब ऐसा पेड़ घर में लगा हो। तो मैंने वो भैया से पूछा भी कि आपके पास है क्या पेड़, तो बोले हाँ है, तो बरसात में ले जाना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखिए अच्छे से। तो इस तरह से अगर पौधे हरे भरे लगे तो मन को काफी सुकून मिलता है और पौधे खरीदने का दिल भी करता है। तो देख सकते हो फ्रेंड, बहुत सारे पौधे हैं, मैं सभी के नाम नहीं ले सकती हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। और इधर भी कलांच वगैरह है, तो वो अभी सेट बना रहे हैं क्योंकि इस नर्सरी में बड़े बड़े पेड़ भी लगा रखे हैं उन्होंने, उनके ही अगल बगल में पौधे रखते हैं और पानी का भी खास ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से पौधे भी है और ये परतवार भी, कचरा वगैरह वो भी पानी की वजह से फैला हुआ है, पर पौधे बहुत ही अच्छे हैं उनके पास और वो काफ़ी अच्छे दामों में देते हैं। ये देख सकते हो, मैंने दो पौधे खरीदे हैं, एक झोरा के पीले कलर वाला और कलांचो, तो चार 50-50 रुपए में दिए और एक कोलियस का पौधा मुझे फ्री में दे दिया। तो इस तरह से वो कभी ना नहीं बोलते हैं फ्रेंड, देते ही है, कम ज़्यादा कीमत करते भी है और अच्छे कम दामों में अच्छे पौधे भी मिलते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो हैंगिंग बास्केट में लगने वाले भी काफ़ी अच्छे पौधे हैं। और ये देखिए, गुड़हल का बहुत बड़ा पेड़ लगा है यहाँ पे और बहुत सारे फूल भी खिले हुए हैं। और इनडोर पौधे भी बहुत सारे हैं, आउटडोर भी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस नर्सरी में आके। तो अगर इसने गर्मी में अगर ऐसी नर्सरी हरी भरी दिखे तो बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। नहीं तो मैंने दो तीन नर्सरियाँ देखी थी, बहुत ही पूरा एकदम ख़त्म ही हो गए थे उनके नर्सरी के पौधे, ऐसा लग रहा था। और कुछ भी बचा नहीं था, कुछ पौधे भी नहीं थे, पर यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे से पौधे हैं, हरे भरे हुए हैं, अच्छे से रखे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ लगाए हैं उन्होंने उनके नीचे, तो आप देख सकते हो। और कटिंग भी मैंने एक कटिंग मांगी थी उनसे, जो ज़मीन में भी बहुत सारे पौधे ऐसे ज़मीन मिट्टी में घुस जाते हैं, तो अगर कटिंग भी मांगो तो भी वो देते हैं। तो ऐसी नर्सरी हो तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, जाने में, विजिट करने में और पौधे खरीदने में। आपको ये नर्सरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड। और आज का मेरा ये नर्सरी विजिट का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो इधर भी बड़े बड़े पौधे लगा रखे हैं उन्होंने, कलांचो भी देख सकते हो, देसी भी है, हाइब्रिड भी है, फ्लावरिंग हो रही है अभी। और इधर भी टेक्सास के एक पौधे हैं, एक जोरा की छोटी वाली वैरायटी है इधर भी।
और मैं तो पौधों के नाम भी भूल जाती हूँ। ये देख सकते हो आम के भी पौधे हैं, ये बाम्बू है शायद। हो इस ना तरह थाला से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा फिर।